तो गाइस आज एनिम टूबर पाजी नहीं आए हैं, मुझे पता है भाई वन वीक से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, तो भाई माफ़ करना। एंड आज की इस वीडियो में के अंदर मैं बातचीत करने वाला हूँ, तो अपने कान में एयरफोन्स डालो एंड तैयार हो जाओ वीडियो के लास्ट तक। ए पिकाचू कुछ भी बता देता है भाई फैंस को, भाई डिसलाइक मत कर देना गाइस, डिसलाइक मत कर देना। तुझे ना मेरे पिकाचू मैं तुझे काम पर लगाया था और यहाँ पर बेटे बेटे सिर्फ कुछ भी बता देता है फैंस को गाइस। भाई पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पर है भाई, लोग डिसलाइक मत करें, अनसब्सक्राइब करके मत चले जाओ, दरअसल मैं कहूँगा सो। एंड गाइस पता है भाई इतने दिनों से क्यों मैं ऑनलाइन पर नहीं आ रहा हूँ, देखो भाई मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से, देख सकते हो मेरा फ़ोन की तो हालत ख़राब हो चुकी है एंड मुझे पता है नहीं क्या हो सकता है सो इसीलिए। पर गाइस एक और जरूर बातें थोड़ी मैं बता देता हूँ, देखो गाइस इंडियन डबी मास्टर चैनल के अंदर मैं काम कर रहा था तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो उस चैनल के अंदर मैंने अपलोड कर दिया था पोकेमॉन सीजन 17 XY सीरीज की पहला एपिसोड, वो भी इंडी डब के अंदर, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दिया है, तो जाकर देखो एंड वहाँ पर एंजॉय करना उस वीडियो को, बहुत ही औसम से मैंने रेटिंग किया है, तो भाई ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ जोड़ो चैनल पर पड़ा पर जाओ लाइक करो एंड सब्सक्राइब कर दो एंड और मेरे नोटिफिकेशन को वेट करना, क्योंकि आने वाली नए को आप लोग अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। एंड उसके साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, भाई इंस्टाग्राम हमेशा भाई पड़ा हुआ है, तो भाई जाको वहाँ पर एंजॉय करो एंड गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस अमेजिंग वीडियो। तो गाइस आज हम बातचीत करने वाले, पहले तो बेबेट के बारे में बातचीत करते हैं। तो भाई बेबेट के न्यू सीरीज आ रहे हैं, वो भी मार्वल स्टूडियो के अंदर। एंड गाइस पता है भाई मैंने प्रूफ भी मुझे मिल गया था, पर मार्वल स्टूडियो ने क्या किया है मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था बेब्लेड, पर मैं मानता हूँ बेब्लेड है, पर बेब्लेड वो नहीं है भाई, जैसे बेब्लेड मेटल फ्यूरी नहीं है भाई, बेब्लेड ब्रेकर साथ है, वही है भाई, स्कैम कर दिया मारो छो के हमारे साथ। एंड गाइस यस गाइस तगड़ा स्कैम हो चुका है सभी बेब्लेड फैंस की तरफ से, बेब्लेड मेटल फ्यूरी आना चाहिए था। देखिए यहाँ पर एनिम न्यूज़ इंडिया ने भी बताया था भाई बेब्लेड जनरेशन 2 आ रहा है मार्वल स्टूडियो के अंदर 1 February को लेवल 11 को, भाई टाइमिंग चेंज कर लिया ओके। पर गाइस सचमुच में कह रहा हूँ भाई, सचमुच में क्या कर दिया है, पर गाइस ये सब साइड पर रख कर हम लोग बातचीत करते हैं। एक और न्यू शो आने वाला है मार्वल स्टूडियो के अंदर भाई, शीरो भाई ये क्या है, सुपर शीरो भाई क्या बना देते हैं भाई, कार्टून नेटवर्क वाले भाई यहाँ पर शिनशान करवा दो एंड दरअसल हो गया सुपर शीरो भाई, कुछ भी बना देते हैं भाई, ये से शोज को बनाते हैं भाई, बेबेट को क्यों निकल जाते हैं भाई, कुछ भी कर देते हैं भाई, क्या शो बनाते हैं भाई मुझे ना पता नहीं चल रहा। पर गाइस आप देखना चाहते हो तो 22 February को जाओ एंड एंजॉय करो, कार्टून नेटवर्क के अंदर टाइमिंग भी देख लिया हो तो जाकर देख दो। एंड गाइस सब बताएं माई हीरो अकेडमी की तरफ से न्यू फिल्म आ रहा है, वो भी लखपत मूवी भी कह सकते हो, माई हीरोज 2 हीरोज लखपत भाई कुछ भी निकला हुआ है। एंड February 12 को ये रिलीज होगा, वो भी इंडियन सिनेमा के अंदर एंड टीवी और सिनेमा, तो रख लो आप लोग से रख लो टीवी और सिनेमा के, जाकर देख सकते हो जो लोगों के घर के पास है तो जाकर देख सकते हो भाई, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तो जाकर देखो एंड एंजॉय करो, मैं भी देखने वाला तो नहीं हूँ। तो गाइस अब आते हैं पोकेमॉन की तरफ से, भाई पोकेमॉन का क्या हुआ, सचमुच में कह रहा हूँ गाइस पोकेमॉन की अभी कुछ भी अपडेट नहीं है, ब्लैक एंड रेड सीरीज तो नामोनिशान तक चला चुका है एंड भाई क्या कुछ भी कर देते हैं लखपत, अभी तो मार्वल स्टूडियो के अंदर कुछ भी चल रहा है। एंड बेब्लेड के मेटल फ्यूरी नहीं आएगा भाई, बेब्लेड के ओनली बेब्लेड ब्रेकर्स आएंगे, जैसे टाइसन आता है ना वही आएगा, पर पोकेमॉन तो भाई पोकेमॉन की तो बात ही मत करो भाई, कुछ भी कर देते हैं। पर गाइस जो भी अपडेट आएगा तो मैं फटाफट से वीडियो बना दूंगा। एंड गाइस ये थे न्यू अपडेट्स ऑफ दिस एनिम अपडेट्स। एंड गाइस बेबे की चिंता मत करो भाई, बेबे के न्यू सीजन साथ ही रहेंगे एंड मैं अपडेट पर रहूंगा। एंड गाइस अभी मैं चैनल पर एक्टिव जरूर रहूंगा, तो चिंता मत करो। एंड भाई मेरे भी टेस्ट आ रहे हैं तो भाई कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे भी ध्यान देना पड़ेगा ना, तो दैट्स व्हाई एजुकेशन इज मेन इंपॉर्टेंस एवरीबॉडी, तो गाइस एजुकेशन पर ध्यान दे लो और एनिम को थोड़ा सा साइड पर रख लो, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे ना तो जान रख लो। एंड गाइस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड गाइस सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में आप अपडेट्स देखने को मिल सकता है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग सर न्यू अमेजिंग वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।